बताता हूँ तुम्हें, नए नए भर्ती होकर तेरे बिना बात करने की उम्मीद नहीं है। बिना मास्क घूम रहे कार्यकर्ता का जब चालान कटा तो पुलिस से भिड़ गए सपा विधायक इरफान सोलंकी। दरअसल ये पूरा मामला कानपुर का है। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी बगैर मास्क के ही एक समर्थक का चालान जैसे ही कटा वो विरोध में दलेलपुरवा पहुंच गए। इस दौरान सपा विधायक और पुलिस में जमकर झड़प होने के साथ ही धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद पुलिस ने विधायक का भी मास्क न लगाने पर 1,000 रुपये का चालान कर दिया, जिसकी वीडियो अब सोशल मीडिया में काफी वायरल भी हो रही है। विधायक का कहना है कि मास्क न पहनने पर 1,000 रुपये का चालान काट दिया। इस बात से बौखलाहट में आकर इरफान सोलंकी ने चालान काटने वाले दोनों दरोगाओं को कहा कि तुम मुझे गांव का विधायक न समझना, अब तुम दोनों रहोगे या मैं। ध्यान रखना, तुमने गांव के विधायक देखे होंगे? नहीं बेटा, तुम्हें हम बताएंगे। देखा या तो मैं रहूंगा या तुम दोनों रहोगे। पुलिस से झड़प के बाद सपा विधायक के समर्थन में सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट भी किए जा रहे हैं। पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगा, शहर में बड़े आंदोलन की धमकी दी जा रही है। उधर इस मामले में कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने विधायक को नसीहत देते हुए चालान करने वाले दोनों दरोगा को इनाम दिया है। उन्होंने कहा है कि जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा है कि इस कठिन घड़ी में पुलिस का सहयोग करेंगे, न कि समस्या पैदा करेंगे। जैसे कि वीडियो में प्रमाणित है कि इरफान सोलंकी का मास्क न पहनने के लिए 1,000 रुपये का चालान किया जा रहा है। सपा विधायक इरफान सोलंकी ने किस तरह से पुलिस से बहसबाजी की है, आप भी देखें ये वीडियो। बताता हूँ तुम्हें, नए नए भर्ती होकर तेरे बिना बात करने की उम्मीद नहीं है। तुमने गांव के विधायक देखे होंगे? नहीं बेटा, तुम्हें हम बताएंगे। तुम संघर्ष